वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ डॉक्टर नसरुल्ला राणा आज हैं. एज यू नो ही इज द चेयरमैन डेफनेस फाउंडेशन पाकिस्तान, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साक, उसके अलावा देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट कम अंडर हिज बैनर. ही इज आल्सो बीन एन एंकर, सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट ही डज. बट ऑफ कोर्स आज हमने उनको एज अ रेनाउंड ENT सर्जन बुलाया है बिकॉज हम उनसे एडवाइस देना चाहेंगे. और बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारी ENT का, बाय द वे जस्ट टू क्लेरिफाई, ईयर नोज एंड थ्रोट, क्योंकि ये जो हमारा एरिया होता है ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होता है और इस एरिया को डेफिनेटली अटेंशन मिलनी चाहिए. बचपन में अक्सर बच्चों के टॉन्सिल्स बिला वजह रिमूव कर दिए जाते हैं जबकि जरूरत भी नहीं होती. आते ही डॉक्टर साहब, जो मैंने एक कहा ना कि मेरा गला बहुत प्रॉब्लम देता है टॉन्सिल्स, तो उन्होंने वो बात की जो एक्चुअल करेक्ट और पूरी दुनिया में कही जाती है मगर हमारे मुल्क में इसका ऑपोजिट कहा जाता है कि टॉन्सिल्स को नहीं रिमूव करते, ये आपके सबसे पहले हिफाजत का सेंटर होते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आपकी वो ये ना कि आपकी अगर पूरा इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गए तो सेगमेंट खत्म हो जाना, गुफ्तगू होनी नहीं है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू, आपने बुलाया. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुफीद लोगों को मालूमात दे सके. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि ENT के पास किस केस में जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे. बिकॉज लोग अक्सर कहते हैं ENT क्यों GP के पास चले जाते हैं. अब देखना, मैं चीज बताता हूँ. म्यू हॉस्पिटल लाहौर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने 15 साल से ज्यादा वहाँ ENT में काम किया, नाक कान गले के शोबे में. हमारे पास हर तरफ से लोग आते थे और लाहौर का भी सबसे बड़ा क्लिनिक आपका ही है. हाँ, वही है अल्लाह की मेहरबानी से. और म्यू हॉस्पिटल लाहौर जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है. साथ में ENT में नाक कान गले का पढ़ाता था डॉक्टरों को, और साथ म्यू हॉस्पिटल में नाक कान गले का जो शोबा है इसमें मैंने 15 साल एज ए स्पेशलिस्ट काम किया. वहां पर लोगों में यही ट्रेंड नहीं था कि जी ENT के पास जाना, तो इसीलिए मैंने 1981 में पहली ENT कॉन्फ्रेंस जो थी ना पाकिस्तान में, उसका इनेकाद में मैंने मेन रोल प्ले किया और लोगों को अवेयरनेस दी. और 1990 में 10th इंटरनेशनल ENT कॉन्फ्रेंस थी हमारी, उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था. लोगों को शौर दिया कि बैरापन भी कोई बीमारी है और बैरापन की भी तशखीस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में बैरापन चलता रहता है और 2-3 साल उसके बच्चे के जाया कर दिए और बाय द टाइम एहसास होता है उस वक्त बहुत देर हो जी. बच्चे का चाचा भी लेट बोले, ऐसी मामा भी लेट बोले, उस चक्कर में वो लेट कर देते. मेरा ये है कि अगर बच्चा तवज्जो नहीं देता छोटी से छोटी उम्र में, इवन 6 मंथ में उसकी कानों की तशखीस करके अगर आला लग जाए बार बार ऐसे ऐसे करके चुटकी. अब हमारे पास ऑडियोमीटर्स हैं, जैसे दिल की ECG होती है कान की, हम ECG कर लेते हैं, उसमें पता चल जाता है. बच्चे को आला लग जाए 6 माह की उम्र में तो बच्चा सुनने और बोलने के काबिल हो जाएगा, हो जाता. और गूंगापन कोई बीमारी नहीं, बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलता नहीं है, अगर वो 6 माह की उम्र में सुनना शुरू कर देगा तो वो बोल सकेगा. तो बोल सकेगा डॉक्टर साहब. आज हम टच करेंगे नाक की हड्डी के बढ़ने की वजह, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दुनिया में है. अभी वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन में, 170 मुल्कों से 9000 डॉक्टर ENT के आए हुए थे. मैंने पाकिस्तान को उसमें नुमाइंदगी की वाशिंगटन DC में. वहां पर इसके लिए सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई कि नाक की हड्डी जो है ये सेंटर में होनी चाहिए. अक्सर ये है कि जब बच्चा गिर जाता है बचपन में उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है. बाज़ औक़ात इनबॉर्न प्रॉब्लम भी होती है, जमादू यानी एडेनॉइड भी, यही चीज. एडेनॉइड और चीज है, वो हड्डी के पीछे एक हदूद होता है मटर के दाने जितना, जहाँ कवानी नीचे लटकता है वो वहाँ है, वो नाक इधर नहीं होता, वो नाक अच्छा, के पिछले वो कुछ और है. ठीक है, और यकीन करें कि नाक का पैसेज खुला रहना चाहिए, ये मोटरवे की तरह ठीक ठाक होना चाहिए. अगर नाक में रुकावट आती है तो वो फिर साइनोसाइटिस हो जाता है. साइनसिस में रेशा बनता है, वो कान के बैरापन का बायस बनेगा, और कान में रेशा गया, बैरापन हुआ तो रेशा जब गले में गिरता तो यही टॉन्सिल की, जैसे अभी आपके थी गला खराब होता है, इसकी मेन काज यही है, गला खराब होगा और नीचे जाएगा चेस्ट में तो दमे का बायस बनता है. नाक की हड्डी जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है. एक लव द नोज कॉन्फ्रेंस थी हमारी मनीला में, मैंने उसमें लव द नोज, यकीन करें ये कॉन्फ्रेंस का नाम था लव द नोज, मनीला में फिलीपीन में हुई. मैंने पाकिस्तान, हाँ नाक, और उन्होंने कहा प्यार का मकसद इसको सिर्फ इसके ऊपर ऐसे ना करो, इसको खुला रखो, अगर इसमें रुकावट है. उन्होंने मिसाल दी थी, या जैसे आपका घर की नाली अगर वो बंद हो जाएगी तो घर पीछे से बदबू आएगी, घर तबाह हो जाएगा. ये आपका पैसेज है, इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज देर इज साइनोसाइटिस लीडिंग टू बैड ऑर्डर, आपके मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है. लोग जो है वो कहते जी मैंने तो पैड़ी बदबू महसूस होती है, वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि नाक बंद होता है, स्टैग्नेशन से ऑब्स्ट्रक्शन से साइनोसाइटिस हो जाता है. साइनोसाइटिस जब होता है तो कानों में बैरापन, हेडेक, तबीयत गिरी गिरी सी रहती है और दमा हो जाता है. अब नाक की हड्डी के लिए लोगों में एक गलत पहले था
कि जी हड्डी का जो ऑपरेशन है 18 साल तक की उम्र से पहले नहीं करवाना चाहिए। वाशिंगटन डीसी में जहां मैंने पाकिस्तान को, जो वाशिंगटन डीसी दुनिया का भी कैपिटल है, अमेरिका का भी कैपिटल है, पूरी दुनिया के डिसीजन वहां होते हैं, और कैपिटल हिल जहां पर उनका कांग्रेस का मेन उनके सारे है, तो वहीं ये कॉन्फ्रेंस थी कन्वेंशन सेंटर में। वहां पर एक चीज जिम्मेदारी से कही गई कि अब आप छोटी उम्र में भी, मतलब बच्चा 5 साल का है, 8 साल का, 10 साल का, आप 18 साल वेट ना करें। नाक की हड्डी का वजह से अगर रास्ता बंद हो रहा है तो उसकी सेप्टोप्लास्टी, एक स्पेशल ऑपरेशन बताया डॉक्टर, सेप्टोप्लास्टी करके बच्चे का नाक खोल दें, वो साफ सुथरी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन विंगा ना, ना 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 विंगा चिंगे वाली बात ही नहीं है। हमने देखो सुने, ये इस टेबल को सपोज ठीक करना है, अगर हमने नाक की हड्डी को ठीक करना है, आप कहें जी डॉक्टर साहब ये इसको ठीक करते करते कहीं ये हमारे टीवी सेंटर की दीवारें ना खराब हो जाएं। भी दीवारें तो बहुत दूर पड़ी हुई हैं, इसका शेप के साथ कोई तो लग नहीं। बट अब देखिए, मैंने अगर अपनी नाक की करानी है तो सर्जरी के बाद क्या मेरी नाक के ऊपर सारे निशान? ना 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 ना, काटेंगे? नहीं, मैं क्लियर करूंगा, ऊपर से कोई निशान नहीं पड़ना, ठीक है, सबको ये अंदर से होता है। और हमारा काम है सुनहरे वाला, गोल्ड स्मिथ जॉब होता है, फाइन सा होता है, छोटी ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी हड्डी नहीं होती। अच्छा, वो मामूली सी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हम कर देते हैं। बच्चों में इसका बहुत फायदा होता है, सेप्टोप्लास्टी हो जाए। मैं आप जो सुन रहे हैं, माएं अपने बच्चों को देखें कि रात को वो मुंह तो नहीं खुला रख सके हैं, या उनके नाक की हड्डी का मसला है, या उनके एडिनाइट्स जो है वो भी खतरनाक बीमारी है, जो कि जिससे बच्चे की शक्ल और अकल दोनों चीजें मुतासर होती हैं। कानों में पानी पड़ जाता है, वो नाक के पीछे एक हदूद होता है जहां कव्वा लटकता है नहीं गले में, युगला, तो वहां से फिर मुंह खोल के अंदर से उसको निकाल देते हैं और बच्चे को फायदा हो जाता है। और इसी से एक्चुअली नाक की वजह से फिर ट्रांसलाइटिस होता है। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि एडिनॉइड्स वक्त के साथ चले भी जाते हैं। और नहीं नहीं नहीं, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ कर जाते हैं। 8 साल की उम्र तक जब उसने जाना है, उससे पहले बच्चे के कान में पानी पड़ जाएगा, उसके बच्चे के गले खराब हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी चश खराब हो जाएगी। ये नाक का काम बड़ा खूबसूरत है, जो मनीला फिलीपीन में हमारी ENT कॉन्फ्रेंस थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया लव द नोज बिलीव करें, और दूसरी एक कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन डीसी में, मैंने 2000 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, जिसका नाम था नोज 2000 एंड बियॉन्ड, के 2000 सालों में हमने नाक के लिए क्या किया और आगे क्या करना। ऑनेस्टली वो कॉमन सोचती है, नाक भी एक इंसान था। ना ना, बहुत जबरदस्त, देखो जिंदगी की इब्तिदा यहीं से होती है, जिंदगी का इख्तिताम भी यहाँ पर होता है, ट्रू ब्रीदिंग, इट इज द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ अ जर्नी। अच्छा, अगर नाक का ऑपरेशन कर दें, हाँ, एडेनॉइड्स का भी कर दें, चलें अगर यहाँ की बात करें, हाँ, तो ये भी कर लेते, नाक को खूबसूरत भी बना सकते हैं। लाराम के किसी का नाक खराब हो गया, बैठ गया कुछ मसला, तो हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, राइनोप्लास्टी कहते हैं। मुझे लग रहा है जैसे मुझे शायद ठीक कराना पड़े। हाँ, तो हो जाएगा, ये जो हम्प है, हम्प भी ठीक कर सकते हैं। नाक अगर बैठ गया है, नाक में से जिस... हम्प नहीं है, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये इसको, हाँ ये थोड़े से है, इसको हम कर सकते हैं। अगर बाजूकात ब्रिज फॉल कर जाता है, नाक की एक्सीडेंट है, आप गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, डैशबोर्ड इंजरी हुई है, बाजूकात कुछ और मसाइल होते हैं, तो नाक के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, राइनोप्लास्टी ऑपरेशन। राइनोप्लास्टी एक दफा कर दें, क्या ये फिर से हो सकता है इश्यू? इसके लिए इतना ही चांस है जितना, अब लाहौर से 5 लाख गाड़ियां रोज जाती हैं इस्लामाबाद, एक आध का एक्सीडेंट होता है ना, बाकी तो ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। जो नहीं, जो ठीक नहीं होता उसकी खबर लग जाती है, जो ठीक हो जाता है उसके लिए कोई बात नहीं करता। यही हमारे माशरे का अलमी है। देखना बात सुनना, पंजाबी कहते हैं सायदा ना नहीं होता, रवायदा नाम होता है, मतलब एक जो ठीक हुई है चीजें उनकी भी परसेंटेज देखे ना, 99.9% ठीक रहता है प्रॉब्लम। मैं ये कह रही हूँ कि क्या दोबारा बढ़ सकती है ना? नहीं, ये नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा यानी टेलीविजन के यहाँ जो मैंने इतने मैंने लेक्चर दिए इसी सेंटर में बैठ के, मेरे टीवी के जो हेल्थ के प्रोग्राम थे, एहतियात था उसमें मेरा प्रोग्राम, तो उसमें मैं कहता था कि एक्चुअली ऑपरेशन के बाद जैसे आपने बाईपास का ऑपरेशन किया, जैसे रबता और थोड़ी बहुत दवाई की जरूरत होती है, इस तरह जब नाक का हुआ तो अपने डॉक्टर्स को, क्योंकि नाक में होती है एलर्जी, एलर्जी खत्म नहीं हो सकती, एलर्जी के लिए थोड़ी बहुत दवाई की जरूरत होती है, या डॉक्टर से रबते की, अगर नहीं आप रबता रखते तो फिर रिजल्ट ये होता है कि वो नाक में हदूद बाजूकात बढ़ जाते हैं, वो नाक का रास्ता रोक लेते हैं। इसकी बकायदा एक मेंटेनेंस है, इसकी प्रॉपर एक फॉलोअप चाहिए। डॉक्टर का और मरीज का आपस में चोली दामन का साथ है, जैसे एक गुर्दे का ऑपरेशन करवा लिया उसके बाद भी दवाई की जरूरत है, बंदे की जान बच जाती है। इस तरह दिल का बाईपास ऑपरेशन होता है या उसके स्टंट डलते हैं, वो थोड़ी बहुत दवाई खाता है, कभी कभी डॉक्टर को 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद विजिट करता है। सदा कोई चीज ठीक नहीं रह सकती। मैं ये टेलीविजन पे, पहले भी मैंने PTV पे सैकड़ों लेक्चर दिए हैं, लोगों को समझाया कि खुदा के लिए इसके लिए ये ना कह दे कि जी एक दफा ठीक होगी तो हमेशा के लिए, फर्दर मेंटेनेंस है। जैसे बाईपास करवाने से बंदे की जान बच जाती है, इस तरह ये करने से, नाक की हड्डी का करवाने से ये पक्की बात है कि 100% उसके कान बच जाते हैं, बहरे नहीं होंगे, उसको दमा नहीं होगा, उसके गले में टॉन्सल्स नहीं होंगे, थोड़ी बहुत अलबत्ता कबाहत हो सकती है। सदा तो ये रास्ता, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिंदगी की इब्तिदा भी नाक से होती है,
जिंदगी का इख्तिताम भी यहीं पर होता है। इख्तिताम भी होता है। कासिम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह करम जी, आप जी, आप डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे थे? जी जी, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, ये मैंने काफी दिनों से ये मेरे कान में मसला आ रहा है, तकरीबन एक महीना हो गया है, ये कान से मेरी आवाज खट खट की आती है पिछली साइड पे। मैंने ENT स्पेशलिस्ट को भी चेक कराया, लेकिन दवाइयां भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रही है। वो डॉक्टर साहब से पूछना था ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इस तरह हो जाता है? आपकी जो प्रॉब्लम है जी, इसके लिए कानों की एक ECG होती है, जैसे कानों की ECG से मुराद ऑडियोग्राम, दिल की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, कान की ऑडियोग्राम होती है, PTA टेस्ट होता है, वो करके हम देखते हैं कि आया कान में किस किस्म की डेफनेस है। बाजू का ये भी होता है कि नाक में से रेशा जिसको चप्पे चढ़ जाते, कान में पानी चला जाता है, सिक्योरिटी टाइटस मीडिया हो जाता है, तो उसकी भी फेरा है, उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो ग्रोमेट हम डाल देते हैं हम उसको, नाक में अगर प्रॉब्लम है, नाक को यकीन करें ठीक कर दे तो कान ठीक हो जाता है। बल्कि मेयो हॉस्पिटल लाहौर में मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, कनेक्शन बता देना, नाक कान और नाक कान गला तीनों मिले हुए हैं। मेयो हॉस्पिटल लाहौर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैंने नाक कान गले के शोबे में जब माएं मेरे पास बच्चों को लेके आती थी, बच्चों का कान बहता, तो मैंने जब देखा ना गला, तो उनका टॉन्सिल फुल है। मैंने कहा जी गले का ऑपरेशन करना, उन्होंने कहना जी कि आपका मसला बच्चे हमारे कान का, आप गले का ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं कहा बीबी ये गला जो है गले को ठीक कर देंगे, कान ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। छत टपकती है, कारपेट खराब है आपकी, छत को ठीक करेंगे नीचे कारपेट ठीक हो जाएगी। नो साइनसिस को अगर हम ठीक कर देते हैं, ना कि हड्डी का ऑपरेशन करके, जो हलक में रेशा केरा, ये एक बहुत बड़ा मसला, उसको ठीक कर देंगे, गला नहीं खराब होगा। रेशे की क्या कहानी है जो हलक कहते हैं गले में रेशा? हाँ, गले ये देखो एलर्जी होती है नाक में, साइनोसाइटिस हो जाता है, साइनोसाइटिस से रेशा बनता है, मान के वो गले में गिरता है, ट्रिकल डाउन करता है। यकीन करें बाज औकात इतनी होती है कि मरीज की हालत बड़ी खराब हो जाती है। हम उस सोर्स को खत्म, जैसे ये है यहाँ छत टपकनी शुरू हो गई है, यहाँ के हालात क्या होंगे, इसको जरूर करना चाहिए। एक ये पोस्ट नेल ड्रिप, इसको PND हम कहते हैं, पोस्ट नेल ड्रिप, ये एक हलक में केरा नहीं गिरना चाहिए, इसी से गला खराब होता है। और टॉन्सिल के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, टॉन्सिल गले के चौकीदार हैं, लेकिन बाजों का चौकीदार जब चोर बन जाए तो फिर उनका क्या रिजल्ट होता है, उनको निकालना पड़ता है बामरे मजबूरी, क्योंकि वो अंदर से गोलियां चलानी शुरू कर दें। अगर इंसान को सबसे ज्यादा इंसान के बॉडी गार्ड ने नुकसान दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेशुमार बड़े बड़े लोग जो है उनको उनके बॉडी गार्ड ने मार दिए। तो इसलिए ये टॉन्सिल जो है ना, इससे कान खराब हो जाते हैं, कान बहते हैं, गुर्दों में पी पड़ जाती है, जोड़ों का बच्चों में मसला हो सकता है, बच्चे का नशो नवा रुक जाती है। टॉन्सिल का ऑपरेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने 1000 से ज्यादा मेयो हॉस्पिटल लाहौर में ऑपरेशन किया अपने दौर में, रिजल्ट बड़े अच्छे थे, बच्चे की सेहत अच्छी होगी, उसका स्कूल जाना अच्छा हो गया, उसको बार बार एंटीबायोटिक्स खाने से एडल्ट में भी, एडल्ट में भी देखो एज लिमिट 40 ईयर्स तक होती है अमूमन, लेकिन है कि उसके बाद भी अगर मेरिट पे हो तो हम कर लेते हैं, एडल्ट में भी हो जाती है जैसे आपकी है, लेकिन उसमें जरा कदरे कम, पीक एज जो होता है वो स्कूल होएंगे, जरा लंबी ज्यादा हो जाती है ना फिर। नहीं नहीं, उसमें ये पीक एज जो है ना, जो सबसे गला की खराबी है, वो स्कूल गोइंग एज में है, स्कूल गोइंग एज में टॉन्सिल्स का इंसिडेंस मैक्सिमम है, उसके बाद आस्ता आस्ता ये सेटल डाउन होता है। जैसे अभी आपने थोड़ा सा बात किया, ये आस्ता थोड़ी सी मैं प्रिकॉशन आपको, नमक पानी के गरारे अगर आप करने शुरू कर दें सुबह शाम तो, और खट्टी ठंडी एहतियात, जो मेरा जैसे टेलीविजन का प्रोग्राम एहतियात था यहाँ पर, तो उससे आप काफी हद तक 90% मरीज उसी से ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन जैसे दिल का बाईपास हर किसी का नहीं होता, नहीं। इस तरह मैं ये भी कहूंगा कि जो गले का है, देखे डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट, अगर वो एडवाइस करता है कि कोरोना चीज, तो इसमें डिले नहीं करनी चाहिए। टॉन्सिल जो है ये इंसानी जिस्म पे सबसे कॉमन ऑपरेशन है थ्रू आउट द ग्लोब। अभी Washington DC में मैंने पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट किया तो वहां पर टॉन्सिल्स के लिए स्पेशल और एडिनाइड्स के लिए स्पेशल सेशन थे। भाई अपने लोगों को समझाएं कि ये 5 मिनट का ऑपरेशन है, ये को बाहर से काट के नहीं करना था, मुंह खोल के अंदर से जैसे बादाम में से गिरी निकाल लेते हैं हम, वो टॉन्सिल निकाल लेते हैं और सारी जिंदगी दवाइयां खाने से उसकी जान बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी असेसमेंट सही होनी चाहिए, अननेसेसरी ना निकालें। आपका चौकीदार है, पहले आप उसको समझाए, इसी तरह टॉन्सिल की पहले आप इसलाह करके देखें, अगर वो नकाबले इसलाह हो तो फिर निकालें। इस तरह अगर आपका नौकर चौकीदार बॉडी गार्ड या आपका गेट वाला ठीक नहीं होता वार्निंग देने से, फिर उसको फार कर दें। ठीक है, तो आई गेस द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कोई भी चीज असेसमेंट के बगैर पॉइंटलेस है, एंड उसके अलावा असेसमेंट के बाद भी प्रॉपर उसकी उसका इलाज करना बाय अ क्वालिफाइड पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो एक मिसकंसेप्शन होती है कि ईयर नोज या थ्रोट की जब सर्जरी होती है तो निशान वगैरह पड़ जाते हैं, ये तो सारा कुछ इंटरनली होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग अस दीज टिप्स इंशाल्लाह। लेकिन जाने से पहले मैं एक पैगाम जरूर दूंगा, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ हियरिंग फॉर ऑल, यानी अब हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हम हर शख्स को सुनने के काबिल कर सकते हैं। हियरिंग फॉर ऑल सुनना सबके लिए, मैं क्योंकि डेफनेस फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, छोटे बच्चों में आला समाप्त देके ऑपरेशन करके और फिर कॉकलियर इम्प्लांट है क्या उसके साथ,
और अभी वाशिंगटन डीसी में एक नई चीज उन्होंने बताई है कि हेयरिंग एड जो है वो छोटा सा यहाँ पीछे ऑपरेशन करके नहीं हम स्किन में लगा देते हैं, जो नजर नहीं आती और सारी जिंदगी बंदा ठीक ठाक होता है। ये एक न्यू चीज थी विच हैज बीन टोल्ड देयर। मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं कि हेयरिंग एड अब स्किन के नीचे जो है ना वो मामूली सी, क्योंकि आम वो लोगों को कहें हेयरिंग एड लगाए तो लोग कहते हैं जी लोग हमें डोरा कहेंगे, मतलब यहाँ पर वो आला समात अभी लोगों में रचा बसा नहीं है। हालांकि ऐनक लगी होती तो उसको अंधा तो कोई नहीं कहता। कल मेरे पास एक मरीज आया तो उसके ऐनक लगी थी, उसको समात की भी जरूरत थी तो मैंने उसको कहा कि मैंने आला आपको लगाना, कहता नहीं नहीं डॉक्टर साहब। मैंने क्या यूजी लोग मैंने डोरा कहने के, मैं कहती आपके ऐनक तो लगी हुई है आपको अंधा तो कोई नहीं कहता, कहता हाँ ये आपकी पार्टी का। फिर मैंने उसको आला लगा दिया। लेकिन अब नया आला ऐसा आ गया, नई चीज जो वाशिंगटन में अभी लास्ट मंथ मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सेप्टेम्बर में, वो छोटा सा यहाँ पर दो मिनट का एक होता है प्रोसीजर लगा देते हैं और वो नजर भी नहीं आता और बड़ी उसकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजरती है। वाओ, एंड आई गेस व्यूअर्स दैट्स आल्सो अनदर थिंग आप लोगों को मद्देनजर रखना चाहिए कि दिस इज अ ग्रेट, वो जो कहते हैं ना कि अब इंस्टेड कि आप अपने बच्चे को सफर करवाएं या उसको टॉर्चर के थ्रू गुजारें ये कि कोई नजर ना आ जाए कान के अंदर चीज, तो एक और ऑप्शन भी आ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ डॉक्टर नसरुल्ला राणा आज हैं। एज यू नो ही इज द चेयरमैन डेफनेस फाउंडेशन पाकिस्तान, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साक, उसके अलावा देर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट कम अंडर हिज बैनर, ही इज आल्सो बीन एन एंकर, सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट ही डज, बट ऑफ कोर्स आज हमने उनको एज अ रेनाउंड ENT सर्जन बुलाया है बिकॉज हम उनसे एडवाइस देना चाहेंगे। और बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारी ENT का, बाय द वे जस्ट टू क्लेरिफाई, ईयर नोज एंड थ्रोट, क्योंकि ये जो हमारा एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड होता है और इस एरिया को डेफिनेटली अटेंशन मिलनी चाहिए। बचपन में अक्सर बच्चों के टॉन्सल्स बिला वजह रिमूव कर दिए जाते हैं जबकि ज़रूरत भी नहीं होती। आज आते ही डॉक्टर साहब जो मैंने एक कहा ना कि मेरा गला बहुत प्रॉब्लम देता है टॉन्सल्स, तो उन्होंने वो बात की जो एक्चुअल करेक्ट और पूरी दुनिया में कही जाती है मगर हमारे मुल्क में इसका ऑपोजिट कहा जाता है कि टॉन्सिल्स को नहीं रिमूव करते, ये आपके सबसे पहले हिफाजत का सेंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आपकी वो ये ना कि आपकी अगर पूरा इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गए तो सेगमेंट खत्म हो जाना, गुफ्तगू होनी नहीं है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, आपने बुलाया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुफीद लोगों को मालूमात दे सके। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बता दें कि ENT के पास किस केस में जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे बिकॉज